हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 9 अप्रैल 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट्स विल रिटेलिएट इफ इंडिया डजंट सप्लाई ड्रग्स नीडेड बाई यूनाइटेड स्टेट्स। यदि भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति नहीं करता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। ये एक न्यूज़ थी जो पिछले दो चार दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है, नेम द ड्रग, वो कौन सी ड्रग है जिसकी यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया से डिमांड की है। तो आपने उस ड्रग का नाम बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये इस ड्रग का नाम आपने याद रखना है। तो यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर यूनाइटेड स्टेट कहाँ है। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। तो अमेरिका का जो मैक्सिमम पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ये है नॉर्थ अमेरिका, यहीं इसका ज़्यादा पार्ट पाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इसके इस साइड में पैसिफिक ओशन है, इस साइड में इसका अटलांटिक ओशन है। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। देन यहाँ इसमें मैप में देखते हैं इसका, ये जो है ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसको थोड़ा सा और जूम करके हमने यहाँ ये बनाई है, ये मैप दिखाया है। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा ये है कनाडा और नीचे वाला हिस्सा ये है मेक्सिको। तो ये था मैप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट जो है ये 50 स्टेट्स का बना है, इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वह इस वक्त 328 मिलियन। ये थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया की। इसकी जो कैपिटल है वह है वाशिंगटन डीसी में। मोस्ट पॉपुलस सिटी इसकी है अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है। गवर्नमेंट यहाँ का फेडरल प्रेसिडेंशियल है सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम है यहाँ का। प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंसी। लेजिस्लेचर को यहाँ कांग्रेस कहा जाता है। अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट, लोअर हाउस उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। तो 1991 तक दुनिया के अंदर दो सुपर पावर्स थी, USSR और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 1991 में जब USSR कोलैप्स हो गया तो उसके बाद दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर है और वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टुडे इट इज़ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक हिस्सा है, सिक्योरिटी काउंसिल, ये उसका परमानेंट मेंबर भी है। इट इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस्ड 5T प्लान टू टैकल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द यूनियन टेरिटरी। जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की, यानी कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर ये 5T प्लान इसको कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए इसकी अनाउंसमेंट की गई, 5T प्लान की। तो यह किया गया गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जानिब से। दिल्ली जो है ये यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होना चाहिए। 5T प्लान के बारे में देखते हैं। 5T प्लान, इसमें 5 प्लान्स आते हैं, ये 5 चीज़ों से बना हुआ है। टेस्टिंग होगी इसमें, ट्रेसिंग होगी, एक टीम वर्क होगा, बाद में ट्रीटमेंट की जाएगी पेशेंट्स की और ट्रैकिंग की जाएगी। तो ये 5 चीज़ें जो है इसके अंदर ये कोरोना वायरस से उसको टैकल करने के लिए ये एक प्लान बनाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की जानिब से। तो दिल्ली से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 1911 तक जो है जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इंडिया की, उनकी जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता में। तो 1911 में अनाउंसमेंट की गई कि अब जो है कलकत्ता से इसको उठाकर दिल्ली लाया जाएगा। देन 1927 को जो है जो दिल्ली था उसका नाम रखा गया न्यू दिल्ली। और फरवरी 1931 को जो अनाउंसमेंट हुई थी 1911 में कि कैपिटल जो है ये लाई जाएगी न्यू दिल्ली में, तो ये इसकी जो है इनाग्रेशन, इस कैपिटल की, न्यू दिल्ली कैपिटल की इनाग्रेशन हुई थी फरवरी 1931 में। उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी इसको इट वाज क्रिएटेड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका नाम दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद 67th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी इसको फॉर्मली इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाना लेगा। और इसी एक्ट के तहत जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ शुरू की गई, अब यहाँ की जो है अपनी हुकूमत होने लगी न्यू दिल्ली की।
तो आज जो है यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजाल हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ के अरविंद केजरीवाल। ये तो इम्पॉर्टेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कोविड 19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल। हाल ही में कोविड 19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है AICTE ने। AICTE इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये अंडर ये काम करता है। इन इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके अनिल सुहास रभोदे, ये हैं इसके करंट चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मलेशिया। किसे मलेशिया का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद शरीफुद्दीन को। तो ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ इंडिया है और ये है रेड कलर मलेशिया। मलेशिया के निचले हिस्से में ये इंडोनेशिया है, तो ये रेड कलर का है, ऊपर मलेशिया है। कैपिटल इसकी कुआलालंपुर। लेजिस्लेचर यहाँ उसको हम पार्लियामेंट कहा जाता है। अपर हाउस को कहते हैं दीवान नगारा यानी सेनेट। लोअर हाउस को कहते हैं दीवान रकियात या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको इंडिपेंडेंस मिली थी यूनाइटेड किंगडम से 31 अगस्त 1957 को, उससे पहले ये गुलाम था यूके का। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मोहिउद्दीन यासीन और कैपिटल यहाँ की रिंगिट। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स, जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे आज के दिन में, मैंने उनको यहाँ इकट्ठा किया और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, चाहे वो यहाँ का जोग्राफिया के हिसाब से या पोल साइंस के हिसाब से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है मास्टरी हो जाए सिर्फ करंट अफेयर्स पर नहीं, बल्कि जोग्राफिया, हिस्ट्री, पोल साइंस, पूरा वर्ल्ड जोग्राफिया, उसके अलावा और भी बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।